हाय फ्रेंड, चलिए आज हम थालपोस बनाएंगे। तो बनाने के लिए हम पहले उंगलियों पे ऐसे राउंड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको जितना मोटा ये चाहे आप बना सकते हैं। हम 10 राउंड इस पे किए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ऐसे निकाल के हम पहले इसे बांध लेंगे। ऐसे बांधने के बाद से हम एक दो दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे। हम डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। ऐसे एक चेन और एक ये दो हुआ, और उसके बाद से 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा हम 20 कर ले रहे हैं। पूरा 20 राउंड में करके ज्वाइंट करके कट कर लेंगे। तो देखिए हम पूरा राउंड में ये 20 कर लिए हैं, पूरा डबल क्रोशिया पूरा पूरा करके यहाँ ज्वाइंट करके कट कर लिए हैं हम। अब यहाँ पर हम इसे गांठी लगाएंगे और कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। ऐसे बांध लेंगे। बांधने के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन कर लेंगे। 10 चेन करके इसमें ये दो छोड़ देंगे डबल क्रोशिया, और यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे हम। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 10 चेन करेंगे, फिर दो छोड़ेंगे और फिर यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 10 चेन करेंगे और फिर इसमें 2 छोड़ेंगे, यहाँ ज्वाइंट करेंगे। दो दो छोड़ छोड़ के हमें ऐसे ज्वाइंट करना है ये पूरा। तो पूरा हम राउंड में और बना ले रहे हैं। तो पूरा राउंड में हम ऐसा कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद से ये यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लेंगे। 10 चेन किए हैं, यहाँ पे ज्वाइंट करके हम इसे कट कर ले रहे हैं। अब यहाँ बनने के बाद से हम लगाएंगे और फिर से ये मिडिल में हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, और यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे, फिर इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन करेंगे, फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे। हम 5 5 चेन कर करके ऐसे 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ, फिर 1 2 3 4 5 फिर यहाँ, ऐसे ही राउंड में पूरा हम फिट करते हैं 5 5 चेन करके ज्वाइंट करके। फिर राउंड पूरा करने के बाद से हम इसमें 5 5 चेन किए हैं, 5 5 चेन किए हैं। आपको चाहिए तो 7 7 चेन ये कर सकते हैं आप। पूरा हम 5 5 चेन किए हैं। अब उसके बाद से हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लेंगे और रेड कलर कट कर लेंगे। उसके बाद से फिर से हम ग्रीन कलर से यहाँ बनाएंगे। तो ऐसे बांध के, और जो ये 5 5 चेन किए हैं मिडिल में यहाँ पर बनाना है, तो बांध लेते पहले। फिर ये दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन और एक ये 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशिया ऐसे, फिर फंदे लेंगे। एक होल में हम 6 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, फिर इधर हम इसमें भी 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। से 3 4 5 6 इसमें भी बना लिए, फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें भी 6 बनाएंगे। तो हम राउंड में पूरा 6 6 बना लेंगे। आपको और कम लगेगा तो 7 7 आप कर सकते हैं इसमें। तो हम 6 6 करके पूरा में कंप्लीट करते हैं। तो पूरे राउंड में हमने ऐसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे फिर से रेड कलर लेंगे और गांठे लगा के यहाँ से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन करेंगे, इसमें 2 छोड़ेंगे हम,
दो डबल क्रोशिया छोड़ के फिर ज्वाइन कर लेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर सेवन चेन और फिर दो डबल क्रोशिया छोड़ के फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे हम। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर सेवन चेन, फिर दो छोड़ के फिर यहाँ पे ऐसे दो दो छोड़ छोड़ के हम पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। फिर राउंड में हम पूरा पूरा सेवन सेवन सात सात चेन करके हम पूरा राउंड कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर हम फिर सेवन चेन कर लिए हैं यहाँ पे, तो ये बनाए हैं जो फर्स्ट सेवन चेन, इस पर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर सेवन चेन, फिर ये दूसरा वाला में, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर सेवन चेन, फिर ऐसे, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर सेवन चेन, फिर इसमें फिर से एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर सेवन चेन, फिर इसमें, तो ऐसे ही बनेगा। तो फिर राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ सेवन चेन बना के इसके ऊपर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम राउंड करते करते आपको अपने थाली के साइज़ का जितना बड़ा चाहे आप बना सकते हैं। तो हम ऐसे अपने थाली के साइज़ का बना लेते हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये राउंड में इतना बना लिया है, आपको और बड़ा करना हो तो ये कर सकते हैं। अगर ये हम पूरा सेवन सेवन चेन करके इतना दूरी तक बनाए हैं, अगर ये ऐसे बनाने में टाइट लगे तो सेवन के बजाय आप एट नाइन चेन करके और बढ़ा सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। ये चेन स्टिच हम इतना दिखाने के लिए बनाए हैं। अब यहाँ पर हम अब आगे की तरफ अब डिजाइन बना रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से हम ग्रीन कलर लगाएंगे और यहाँ ऐसे बांध के फिर एक दो दो चेन और डबल क्रोशिया हमें इसमें बनाना है, तो चेन और एक ये दो हुआ, तीन चार पाँच फाइव ऐसे यहाँ बना लिए। उसके बाद एक दो तीन चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे हम, फिर फाइव और बना लेंगे इसमें हम, एक दो तीन चार पाँच। आप चार या पाँच इसमें अपने हिसाब से रख सकते हैं इसमें। फिर दूसरे वाले में चले जाएंगे डायरेक्ट, फिर यहाँ पर भी एक दो तीन चार, इसमें हम सेवन चेन किए हैं तो चाहे तो एट एट कर सकते हैं, फोर बना के फिर थ्री चेन का ऐसे दो तीन चेन करके और फिर ऐसे बना सकते हैं आप। हम यहाँ पे फाइव फाइव बना रहे हैं, तो यहाँ पे फाइव कर लेंगे और उसके बाद से फिर से एक दो तीन चेन फंदे लेंगे और फिर फाइव बना लेंगे यहाँ पर हम, एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन कर लेंगे हम और फिर फंदे लेंगे फिर दूसरे वाले में। तो ऐसे ही हम राउंड में पूरा बनाएंगे। ये मिडिल मिडिल में हम तीन तीन चेन कर लेंगे और दोनों साइड फाइव फाइव बना रहे हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। आप चाहें तो फोर फोर बना सकते हैं ऐसे, इधर फोर बना के फिर थ्री चेन, फिर फोर, फिर इसमें फोर बनाएंगे, फिर थ्री चेन करेंगे, फिर फोर बनाएंगे। तो ऐसे ही राउंड में पूरा बनेगा। तो पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं बना के। तो देखिए ये हमने पूरा तैयार कर लिया है। ये डिजाइन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।